हेलो बंधुरा, होप यू आर डूइंग वंडरफुली एक्सेप्शनली वेल। आज हम लोग फिर से एक नए डेस्टिनेशन में जाने वाले हैं। आज हम लोग जा रहे हैं अमृतसर, लेकिन इस बार फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स आई एम गोइंग विद माय वाइफ देवस्मिता। बट इस बार हम लोग बाइक से भी नहीं, गाड़ी से भी नहीं, अपना वही पुराना मेथड, ट्रेन से जा रहे अमृतसर। चलिए फटाफट रेडी हो लेते हैं, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, वेटिंग फॉर द कैब, और कैब में बैठ के फिर हम लोग फटाफट चलते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज साइड। वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम लोग लेंगे अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और सीधा जाएंगे अमृतसर। तो चलो लेट्स गो। हेलो बंधुरा, तो हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पहाड़गंज साइड, और गाड़ी हम लोगों को थोड़ा सा आगे उतार दिया है क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारा ट्रैफिक। तो अभी फिलहाल हम लोग पैदल जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो चलो फटाफट चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा ट्रेन है अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस। तो चलो हम लोग चलते स्टेशन में। हम पहुंच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये देखो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म में लग चुकी है, अब हम जा रहे हैं ट्रेन में बैठने। चलो चलो। दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं ट्रेन के अंदर। बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश, अभी हम लोग जैसे ही ट्रेन के अंदर बैठे एकदम काले बादल होके बहुत ही तेज बारिश आ गई। लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग जैसे ही रेलवे स्टेशन के अंदर घुसे तभी बारिश शुरू हुई, बाहर होते तो पूरे भीग जाते हम लोग। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग वेट करते हैं, ट्रेन 7:20 पे खुलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और भूख बहुत तेज लगी है, आई एम वेटिंग फॉर द फूड, स्पेशली शताब्दी में बैठने का यही एक चीज है, खाना फटाफट मिल जाता है। एंड यू आर रेडी टू गो? यस, काफी टाइम बाद मैं घूमने जा रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स गो। सो गाइस, हमारी ट्रेन अब स्टेशन से खुल चुकी है। देवस्मिता यहाँ बिजी हो गई है इंस्टाग्राम प्रोफाइल में वीडियोस डालने में, और लेट्स गो टू अमृतसर, फटाफट चलते हैं। ट्रेन में बैठते ही हमें फटाफट मिल गया ये रेल नीर का पानी का बॉटल और साथ में 2 ग्लासेस। अब खाने में क्या आएगा, दैट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, लेट्स सी। रेलवे की तरफ से हमें मिला एक और चीज, दैट इज द न्यूज़पेपर। बड़े दिनों बाद मैंने देखा शताब्दी में न्यूज़पेपर मिलते हुए। सो बंधुरा, आ गया हमारा टी, इसमें है बिस्किट, हमारी बिस्किट सिंपल, साथ में ये मिल्क मेड और चाय पत्ती, और पता नहीं क्या है इसमें, शुगर भी हो सकता है। तो चाय को आने दो, फिर चाय पियेंगे। बंधुरा, बाहर के नजारे देखते देखते अब आ गया हमारे पास ये गर्म पानी का फ्लास्क, इसमें है पानी और हम बनाएंगे चाय। ऑलरेडी देवस्मिता शुरू हो चुकी है, चाय पत्ती का बैग निकाल चुकी है, हम बनाते हैं फटाफट चाय। कैसी है चाय? रेलवे की चाय। दोस्तों हम लोग तो बस चाय पी रहे थे, लेकिन चाय पीते पीते सडनली देखा कि ब्रेकफास्ट भी सर्व हो गया है। तो ब्रेकफास्ट में है ऑमलेट, ये ब्रेड, और ये जो है ये मैंगो जूस है फ्रूटी की तरह, और यहाँ पे एक बटर भी दे रखा है। तो हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या आता है, जो भी आएगा जरूर दिखाएंगे। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही मिल गई गर्मा गर्म कॉफी, आप चाहो तो चाय भी ले सकते हो।
बंधुरा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, चाय भी पी लिया फिर कॉफी भी पी लिया, लेकिन अब मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, क्योंकि कल रात को हम लोग लेट से सोए थे और सुबह जल्दी जल्दी उठ गए थे। तो मैंने सोचा है कि अभी थोड़ी देर के लिए सो लेता हूँ, सो के फिर हम लोग सीधा मिलेंगे लंच में और देखेंगे लंच में यहाँ पे क्या सर्विस होता है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो दोस्तों, देवांजन बिल्कुल सो गया है और बाहर मौसम कुछ ऐसा है, इतनी ग्रीनरी है बाहर, मानसून में ऐसे कभी ट्रैवल नहीं किया है ज्यादा। हेलो गाइस, तो अभी आ गया है जलंधर। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हूं, भूख बहुत लग रही है, अभी टाइम हो रहा है 12:15, पता नहीं लंच देंगे भी या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके बाद एक और स्टेशन आएगा ब्यास, और ब्यास के बाद सीधा अमृतसर, और ये है कुछ बाहर का नजारा जलंधर स्टेशन का। बाय बाय। तो गाइस ये देखो, हम लोग का लंच आ गया है। जलंधर से निकलते ही हम लोग को लंच सर्व कर दिया गया। लंच में क्या क्या है, यहाँ चिकन, यहाँ दाल, यहाँ लौकी की सब्जी और जीरा राइस, साथ में पराठे, अचार और वैसे कुछ नहीं है। चलो हम लोग दोनों फटाफट लंच कर लेते हैं। देवस्मिता लग चुकी है खाना खाने में। How is the food? As per Indian Railway standards. Thank you. खाना खाने के बाद ये आ गया आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। देख को तो यम्मी लग रहा है, चलो इसको भी खा लेते हैं। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए अमृतसर। ये बाहर का जो दिख रहा है ये आउटर अमृतसर है, मतलब अमृतसर स्टेशन के बाहर का वाला एरिया है। ट्रेन रुकी हुई है थोड़ी देर के लिए, वैसे तो ट्रेन राइट टाइम पे ही है, अभी 1:25 हो रहा है और 1:30 का टाइम है। तो चलो देखते हैं कितने में हम लोग प्लेटफॉर्म में एंटर करते हैं और उसके बाद देखेंगे वहां से हम जिस होटल में जाएंगे, कैसे जाएंगे वो मुझे भी पता नहीं, तो वो स्टेशन में जाके पता चलेगा। सो लेट्स वेट एंड लेट्स रीच द स्टेशन। So finally guys, we have reached Amritsar. पहुंच गए। चलो गाइज हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं, अब हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे एग्जिट, और उसके बाद होटल किधर है मुझे नहीं पता। मुझे होटल वालों ने जो बोला था दैट हेड कि ये जो होटल है ये 350 मीटर पे ही है रेलवे स्टेशन से, क्या पता मैं पैदल भी चला जाऊं, तो वो बाहर जाके पता चलेगा। एक बार हम लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं फिर किस तरफ है हमारा होटल। हेलो बंधुरा, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं होटल रेजिंडा पैलेस अमृतसर में। अनफॉर्चुनेटली इस होटल के अंदर पूरा ही रेनोवेशन चल रहा है, इसका मेन पोर्च लॉबी एरिया इज टोटली अंडर रेनोवेशन, सो मैं होटल का जो एंट्री है वो दिखा नहीं पाया। अभी फिलहाल हम लोग रूम में तो पहुंच चुके हैं, रूम तो अच्छा ही है, रूम मुझे लगता है शायद ये रूम्स रेनोवेट हो चुके हैं, बाकी वैसे तो सब ठीक ठाक है, वेरी स्पीक एंड स्पैन एंड क्लीन। तो चलो मैं एक बार आप लोगों को रूम दिखाता हूं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो दिस इज आवर रूम, ये रूम्स का एंट्रेंस है, ये बाथरूम, WC और सिंक, और जो नहाने का एरिया है That's very clean, very clean. ये एक छोटा सा क्लोजेट है जिसमें कि एक लाइट भी लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे है एक छोटा सा मिनी बार, और यहाँ पे है टी कॉफी मशीन विद पानी का बॉटल्स, एंड यहाँ पे कुछ नमकीन भी रखे हुए विच इज चार्जेबल, साथ में किंग साइज बेड, बेड साइड टेबल, बढ़िया सा फोटो लगा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे एक छोटा सा काउच, साथ में टेबल है और एक छोटा काउच है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टडी टेबल है विद अ मिरर, और लगा हुआ है एक बिग साइज टीवी, और साथ में ये डस्टबिन भी है छोटू सा। तो द रूम इज क्लीन, एकदम बढ़िया है। तो अभी हम लोग चेंज वेंज करते हैं एंड हिट टुवर्ड्स जलियांवाला बाग।
हेलो पूर्णिमा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जलियांवाला बाग। हम लोगों ने एक ऑटो किया है, ऑटो 100 रुपीज ले रहा है यहाँ जलियांवाला बाग जाने के लिए। अभी हम लोग फिलहाल जीपी रोड के ऊपर है, यहीं से सीधा 3.5 से 4 किलोमीटर है जलियांवाला। वैसे अभी गर्मी तो है थोड़ा सा, लेकिन इट्स ओके, इट्स बियर है। इतना भी ज्यादा गर्मी, जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है, इतना भी हवा चल रही है, मौसम शाम को यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप कि वेदर भी क्लियर रहेगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं जलियांवाला बाग कैसा है। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं जलियांवाला बाग म्यूजियम के जगह पे। अभी फिलहाल ये हमारा पीछे पार्टीशन म्यूजियम है, तो इस पार्टीशन म्यूजियम में हम लोग सोच रहे पहले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टिकट विकेट का होगा कुछ सीन और ये जल्दी बंद भी हो सकता है। तो पहले म्यूजियम जाते हैं, उसके बाद 7:30 बजे तक जलियांवाला बाग खुला होगा, तो वहाँ चलेंगे। तो लेट्स गो इनसाइड और देखते ये कैसा है। So guys, this is the Partition Museum. So let's go inside and see how it looks and how is it from inside. So dosto, hum logon ne Partition Museum dekh liya. It's very sad to say whatever happened in Jallianwala Bagh and during the Partition of India, how people suffered. बहुत ही कम textbooks होते हैं जिसमें इतना कुछ बताया जाता है, लेकिन इस म्यूजियम के अंदर अगर आप जाओगे तो पूरा 1947 का जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, पूरा डिटेल्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। मतलब बहुत खराब लगता है कि स्पेशली पीपल फ्रॉम बंगाल एंड पंजाब, दे सफर्ड अ लॉट व्हाइल दे फेस दिस पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। चलो कोई बात नहीं, अब पार्टीशन म्यूजियम देखने के बाद हम लोग अभी जलियांवाला बाग कंपाउंड में आए हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलो फिर चलते हैं स्ट्रेट टू जलियांवाला बाग। सो गाइज, वी आर राइट नाउ एंटरिंग जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का जो रास्ता है वो यहीं से है। ये देखो कितना छोटा सा रास्ता है जहाँ से हम लोग को जाना है। तो अंदर चलते और देखते क्या है। So this was the place from where General Dyer came inside with his armored troops and killed so many people inside this garden. It was so sad to hear about this thing and to remember about.
दोस्तों ये जो पीछे वेल दिख रहा है ना, यही वो वेल है जिसमें लोगों ने कूद के अपना जान दिया था व्हेन देयर वाज दिस मैसेकर गोइंग ऑन बाय जनरल डायर इनसाइड द जलियांवाला बाग। These were the bullet marks which were fired by the General Dyer's army. हेलो बंधुरा, हमने अभी जलियांवाला बाग देख लिया और उसके बाद अभी हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे चाय का शॉप। वैसे वेदर बहुत अच्छा है, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्लाउडी वेदर होने के लिए वेदर बिल्कुल एकदम मस्त बना हुआ है, हवा चल रही है और बिल्कुल गर्मी नहीं है, बहुत बहुत सही वेदर मिल गया है। ये देखो देवांजन ढूंढ रहा है चाय का शॉप। ढूंढ रहा हूँ चाय की दुकान ढूंढ रहा हूँ। पार्टीशन म्यूजियम और जलियांवाला बाग देखने के बाद अभी हम आए हैं अमृतसर में, अमृतसर का फेमस ब्रदर्स ढाबा में चाय पीने के लिए। और हमने ऑर्डर दिया है पनीर पकौड़ा और चाय। यहाँ पे वेदर बड़ा मस्त है, बहुत बहुत सही है। क्लाउडी है बट बहुत सही मौसम है, तो घूमने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई हमें इस टाइम पे भी। पार्टीशन म्यूजियम एंड जलियांवाला बाग बहुत अच्छा लगा मुझे। पार्टीशन म्यूजियम में हमारे हिस्ट्री, हमारे कल्चर की इतनी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो भरमार है। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलता है, बहुत सारी रियलिटी पता चलती है उस टाइम की, जो शायद हमने हिस्ट्री बुक्स में भी नहीं पढ़ी है। लोगों ने क्या फेस किया, जो वीडियोस है, इट्स रियली सैड एंड अनफॉर्चुनेट टू सी दोज वीडियोस, रीड दोज यू नो रियल स्टोरीज, हियर दोज स्टोरीज फ्रॉम द पीपल हु हैव लिव्ड दैट ड्यूरिंग दैट पॉइंट इन टाइम। आना चाहिए यहाँ पे और ये जगह देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। एटलीस्ट हम इंडियंस को तो ये जगह ज़रूर देखना चाहिए। तो ब्रदर, इसमें आने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था चाय, तो चाय मिल गई है। ये एकदम कड़क दूध वाली चाय है, बहुत ही स्वादिष्ट। एंड वी हैव ऑल्सो ऑर्डर फॉर पनीर पकौड़ा भी आना बाकी है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, आ जाएगा फिर हम दिखाएंगे। चाय के साथ अब आ गया है गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े, इसको फटाफट खा लेते हैं। ये मेरा स्पून और लेट्स हैव पकौड़े। देवस्मिता कुलचा खाने वाली है, बटर कुलचा, अमृतसरी स्पेशल बटर कुलचा विथ छोले, दही और यहाँ का चटपटा चटनी। पता नहीं किस चीज़ का चटनी है, लाल लाल सा देख के तो लग रहा है लाल मिर्च वाला चटनी है, लेकिन कुलचा तो लग रहा है बहुत ही यम्मी है। चलो फटाफट इसको खा लेते हैं। बंधुरा ये कुलचा सुपर यम्मी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आ गया खाने। तो बंधुरा, तो हम लोगों ने कुलचा, चाय और पनीर पकौड़ा खा लिया है। अब हम लोग आए हैं जूती देखने, क्योंकि देवस्मिता को जूती खरीदना है। तो अमृतसर से बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगा जूती खरीदने के लिए। तो एक जूती शॉप यहाँ पे बहुत सारे हैं, उनमें घूम घूम के देखेंगे कि कैसा जूती मिलता है यहाँ पे और किस किस वैरायटी का मिलता है। तो चलो देखते हैं कि देवस्मिता कौन सी जूती फाइनली ले रही है। क्या लिया तुमने, क्या लिया? जूती।
तो देवस्मिता ने अपने लिए जूती ले लिया है, लेकिन उसको मार्केट घूमने का मन तो करता ही है, तो और भी काफ़ी सारे मार्केट से जो देखना है, घूमना है, और पता नहीं क्या क्या खरीदने वाली है, कुछ नहीं पता। तो अभी फिलहाल हम लोग वही मार्केट्स घूम रहे हैं। वैसे यहाँ पे जूतों का दुकान बहुत है, जहाँ भी सूट और साड़ियाँ भी शायद मिलती हैं यहाँ पे, मैं भी घूम के देखता हूँ। वैसे हम लोग आज गोल्डन टेम्पल देखने आज रात को आएंगे, अभी हम लोगों ने सोचा है सीधा हम लोग होटल वापस जाएंगे, होटल वापस जाके थोड़ी देर के लिए सो लेंगे 2-3 घंटा, फिर वहाँ से फिर एक ऑटो लेके हम लोग आएंगे वापस यहीं पे इसी कंपाउंड में, और फिर आधी रात में हम लोग जाएंगे गोल्डन टेम्पल के अंदर, वहाँ जाके देखेंगे गोल्डन टेम्पल कैसा दिखता है। मौसम बहुत ही अच्छा है आज, बिल्कुल शाम को यहाँ गर्मी नहीं है, वेदर में ह्यूमिडिटी है ही नहीं, बड़ा मजा आ रहा है। तो चलो फटाफट हम लोग चलते हैं दुकान में और देखते हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ पे। हेलो, थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं अपने होटल वापस, अभी बज रहा है रात के 9:30 बजे और हम लोग अभी फटाफट सोने चले जाएंगे, क्योंकि कल सुबह 3:30 से 4 बजे के आसपास हम लोग निकल जाएंगे हरमंदिर साहिब के लिए, दैट इज गोल्डन टेम्पल। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हमारे चैनल प्री एपिसोड्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम लोग आपके लिए नए नए और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अभी हम लोग चलते फटाफट सोने और मिलेंगे कल सुबह आप लोगों के साथ इन गोल्डन टेम्पल। सी यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।